नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। भगवान शंकर जी की पूजा में अगर धतूरा नहीं चढ़ाएं तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। धतूरा शंकर जी को बेहद पसंद है, साथ ही साथ ये कई बीमारियों में भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। धतूरे का इस्तेमाल कई दवाइयों को बनाने के दौरान किया जाता है और कई बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ धतूरे के उपयोग से ही बनाई जाती हैं। धतूरा सफ़ेद, काला, नीला, पीला तथा लाल फूल वाला 5 जातियों का मिलता है। इसका पौधा 170 सेंटीमीटर तक ऊंचा तथा झाड़ीदार होता है। धतूरा नशा, गर्मी, गैस को बढ़ाता है, बुखार और कोढ़ को नष्ट करता है तथा सिर की लीकी व जुओं को खत्म करता है। धतूरे का अधिक मात्रा में उपयोग करना जहर के समान है। ये अपनी खुश्की की वजह से शरीर को सुन्न कर देता है, सिर में दर्द पैदा करता है तथा पागलपन और बेहोशी पैदा करके मनुष्य को मार देता है। अतः प्रयोग वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए। धतूरे का रस निकालकर तिल के तेल में मिक्स करके गर्म करें। इसके बाद इस तेल से दर्द वाली जगह पर मालिश करें। नियमित रूप से इसकी मालिश गठिया रोग को दूर कर देती है। धतूरे की पत्तियों, फूल व और बीज को पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को सरसों या तिल के तेल में पका लें और दर्द वाली जगहों पर लगाएं। इससे दर्द से तुरंत आराम मिल जाएगा। कान दर्द होने पर 250 मिलीग्राम सरसों का तेल, 60 मिलीग्राम गंधक और 500 ग्राम धतूरे के पत्तों को धीमी आंच पर पकाएं। इसके बाद इस तेल की 2 बूंदें कान में डालें। इससे कान का दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। धतूरे का प्रयोग गंजेपन को दूर करने के लिए फायदेमंद साबित होता है। इसके रस को सिर पर मलने से न केवल डैंड्रफ खत्म होती है बल्कि गंजेपन से भी छुटकारा मिलता है। दर्द से राहत पाने के लिए धतूरे के रस को तिल के तेल में मिलाकर गर्म कर लें और दर्द वाली जगह पर इस तेल की मालिश करें। बवासीर के इलाज के तौर पर भी धतूरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए धतूरे के फूल और पत्तों को जलाकर इसके धुएं से बवासीर के मसों की सिकाई करने से भी फायदा होता है। बुखार या कफ होने की स्थिति में लगभग 125 से 250 मिलीग्राम धतूरे के बीज लेकर इसे जलाकर राख बना ले और इस राख को मरीज को दे। इससे बुखार या कफ गायब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।